मुरादाबाद के लाइनपार स्थित साई क्रिकेट एकेडमी में 3 दिवसीय क्रिकेट प्रशिक्षण कैंप का आयोजन कराया गया। इस कैंप में सभी विद्यार्थियों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने के लिए रणजी ट्रॉफी प्लेयर के शर्मा मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर सभी खिलाड़ियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सभी का ही कहना था कि आज हमारे बीच एक सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो बच्चों को बेहतर क्रिकेट की बारीकियां सिखाने का काम करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए के शर्मा ने कहा कि आज एक अच्छे कोच की जरूरत है। यदि बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो बच्चे क्रिकेट के खेल में आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम के शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेलता था, फिर मैं रेलवेज के लिए रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन के लिए खेला, देवधर ट्रॉफी, रेस्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट इंग्लैंड। मैं एक तेज़ गति का गेंदबाज था और मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर्स की जो है वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प कर पा रहा हूँ। उसी सिलसिले में जो है वो मैं आज मुरादाबाद आया हूँ। 3 दिन का यहाँ पर कैंप रहेगा, किन अनुभव से और किन विचारों से बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास? देखिए, क्रिकेट बदल रही है और बहुत तेज होती जा रही है। क्रिकेट कोचिंग भी बदलनी चाहिए। जो कोचेस हैं, मैं उनसे भी मिलूंगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ज्ञान है वो आपको थोड़ा सा अपना बढ़ाना होगा, अपडेट करना होगा, और जो एडवांस कोचिंग है उसकी तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, है ना। किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, ये ऐसे ऐसे विषय आते जा रहे हैं जो फोर्सेस का आपको अध्ययन कराते हैं, जो आपको बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो जो फोर्सेस हैं वो किस प्रकार से असर कर रही हैं, उसका कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं उन फोर्सेस का, चाहे वो ग्राउंड फोर्सेस हैं, चाहे वो आपके शरीर की जो फोर्सेस हैं उनका कैसे प्लेयर जो है वो, चाहे वो बैटर है, बॉलर है, फील्डर है, थ्रोअर है, है ना, कोई भी है, वो कैसे उसका बेस्ट दे सकता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो प्लेयर है उसका जो बेस्ट है वो कैसे हम निकाल सके। मैं कोचेस को भी समझाने कोशिश करूंगा और प्लेयर से तो मैं मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन मैं इंटरेक्ट करूंगा, चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो। काफी समय से इंडियन टीम में यूपी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया है, बहुत समय हो गया, तो कोशिश आप क्योंकि अब कोचिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कोशिश यूपी से भी खिलाड़ी इंडियन टीम में जाएं? सर जी, यूपी तो बहुत अच्छा कर रहा है। आप देखिए कि भुवनेश्वर कुमार जो है वो इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने सर्व किया, कुलदीप यादव इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने सर्व किया है। यूपी इज़ डूइंग टोटली टू गुड, बट मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं कमी लगती है कि जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर काम करने की आवश्यकता है, वहाँ पर और प्रोफेशनल कोचिंग की आवश्यकता है। तो प्लेयर तो हम सीनियर क्रिकेटर्स जो एक्सपीरियंस रखते हैं, हमें अपना अध्ययन बढ़ाना पड़ेगा और जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस हैं उनके पास जाकर उनसे, उनको रिक्वेस्ट करके अपनी सेवाएँ जो है हमें वो यंगस्टर्स के लिए, वो प्लेयर्स के लिए वो देनी होंगी। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के सेक्रेटरी विजय गुप्ता ने कहा कि हमारे बीच आज एक सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनके अनुभव से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारे के शर्मा साहब बहुत महान खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के महान कोच हैं, और ये लगे हुए हैं कि यूपी के बच्चों को सेलेक्ट किया जाए। जो प्रतिभावान बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको सेलेक्ट किया जाए और सेलेक्ट करने के बाद उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, अपनी कोचिंग में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये, जैसे टंडन साहब ने भी कहा कि सोशल सर्विस कर रहे हैं, कोई मतलब ये नहीं है, प्रोफेशन की वैसी बात नहीं है। हर तरीके से चाहते हैं कि यूपी के बच्चे आगे बढ़ें, और ये बताऊँ मुरादाबाद के बच्चों के ये भाग्यशाली दिन है, और ये जितना भी पीरियड है बहुत भाग्यशाली बच्चे रहेंगे यहाँ के लोग और इनके गार्जियंस बच्चों के, कि इतनी अच्छी क्रिकेट सीखने को मिलेगी। केजीके कॉलेज के प्रचार्य का ही कहना था कि लगातार बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, महाविद्यालय द्वारा जो भी प्रयास होंगे उनको किया जाएगा। महाविद्यालय में छात्रों के हित में जो भी कदम महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से लिए जाने हैं वो निश्चित रूप से लिए जाएंगे, और वो तमाम प्रयास किए जाएंगे जिससे इस महाविद्यालय में शैक्षिक और क्रीड़ा के क्षेत्र में छात्रों को प्रोत्साहन मिले, वो आगे बढ़े, और महाविद्यालय का क्रीड़ा विभाग निश्चित रूप से प्रशंसा का पात्र है जो इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास कर रहा है, और महाविद्यालय के छात्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। साई क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर सुशील शर्मा का ही कहना है कि हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर 3 दिवसीय क्रिकेट प्रशिक्षण कैंप का आयोजन कराया गया है, जिसमें सीनियर खिलाड़ी के शर्मा बच्चों को 3 दिन तक खेलों की बारीकियां सिखाएंगे, और ये उम्मीद है कि बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ये साई क्रिकेट एकेडमी है, केजीके महाविद्यालय लाइनपार में स्थित है। हम 3 साल से यहाँ पर हैं,
और ये जो कैंप है स्पेशली इसलिए लगाया गया है कि जो हमारे बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, उनको कुछ ट्रिक्स पता लगें। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक महान खिलाड़ी 70s का हमारे पास उपलब्ध है, मिस्टर के शर्मा जी, जो रेलवे से, यूपी से और एक दो और भी स्टेट हैं, उनसे उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और एक उस ज़माने में विल्स ट्रॉफी होती थी, बोर्ड प्रेसिडेंट 11 तक ये खेले हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि ये आए हैं और बच्चों को अपना आशीर्वाद देंगे, इनको कुछ ना कुछ बताएंगे, टिप्स देंगे।